सबसे पहले आपको इस घटना की ब्रेकिंग स्टोरी बता दें। आप ये सोच रहे होंगे मैं बैठा क्यों, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बड़ी खबर ब्रेकिंग ये है कि अभी तक इस मामले में ये जो दुर्घटना घटी इसमें 24 लोग उनकी मौत हो गई है, 90 से ज्यादा घायल हो गए हैं। लेकिन मेरे कैमरामैन को मैं वहां पर दिखाऊंगा, वो तस्वीर देखें आप, मेरे कैमरामैन को दिखाऊंगा, वो तस्वीर देखें आप। वो तस्वीर देखकर आपको लगता है कि 90 घायल पर्याप्त है, मुझे लगता है कि 90 घायल जो है वो शायद उससे भी ज्यादा का आंकड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर हम आते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे कैमरामैन प्रशांत को मैं बोलूंगा इस तरफ आए। प्रशांत ये देखिए, ये देखें आप, ये जो पटरी के हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें आप पटरी के हिस्से यहां पर जो पड़े हुए हैं, इस पटरी पर निश्चित तौर पर काम चल रहा था। मेरे हाथ में ये देखें आप क्या है, ये वही चीज है जो यहां पर पटरी को लॉक करने के लिए लगाई जाती है। ये सब इसमें यहां पर इकट्ठा करके रखी हुई थी, यानी जाहिर तौर पर ये सारा जो है इस पटरी पर काम चल रहा था। जैसा कि लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस पटरी के ऊपर काम चल रहा था। ये देखिए बंडल भर भर के यहां पर ये चीजें रखी हुई हैं। मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा, जरा इस तरफ आइए। पहले आपको ये यहां पर लोग घर है, ये पटरी है, और ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ है उत्कल एक्सप्रेस का, इस तरफ देखें आप, घरों के अंदर यहां पर, ये घरों के अंदर डब्बे घुस गए हैं। ये देखें आप, यहां पर लोग इतने सारे यहां पर मौजूद हैं, ये क्रेन से काम चल रहा है, अभी सफाई हो रही है, वापस पटरी ले की जा रही है। लेकिन कुछ लोग, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। ये घटना जिस वक्त घटी, आप लोग यहीं पर थे, कब से हैं यहां पर? नहीं जी, हम 12 बजे रात से हैं। 12 बजे रात से हैं। तो ये डब्बे तो काफी अंदर तक चले गए? हाँ जी, अंदर तक चले गए। उसमें कार्यकर्ताओं को पता होगा, हम तो रात को आए थे, 12 बजे रात। आपने मदद की लोगों को बचाने में? नहीं, वो कर रहे थे काम का, हमें हटा दिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको अभी आपको दिखाने जा रहा हूं अपनी वो रिपोर्ट, जब ये डब्बे हटाए जा रहे थे और किस तरीके से घर के अंदर घुस जाते हैं डब्बे। आइए ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस। ये डब्बा ट्रैक पर नहीं है, नीचे, ये देखें आप। और ये मैं उस क्रेन पे खड़ा हूं जिस क्रेन पर अभी इस डब्बे को लेके जाया जा रहा है। ये डब्बा, ये देखें आप, ये इस क्रेन पे मैं खड़ा हूं, और यहां से ये देखें आप, ये वही क्रेन है जो कि इस डब्बे को निकाल रही है। ये कहां पे घुस गया था? इस तरफ घुस गया था। इधर इधर आइए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन प्रशांत भैया इधर आना जरा। ये डब्बा कहां चला गया था अंदर? ये सर डब्बा अंदर आपस में टकरा गया और फिर घर के अंदर घुस गया, और बहुत तरीके से घर का भी, मतलब घर को भी नाश्ता नाबूद कर दिया। सरकार की लापरवाही है। ये सर के अंदर, मतलब घर के अंदर काफी अंदर तक दीवार। ये इस ट्रैक पर आप देख रहे हैं जो तस्वीरें, इधर देखें, ये ट्रेन करीब 100 से ज्यादा की स्पीड पर थी और ये यहां पर अंदर चला गया। ये देखिए क्रेन इस पे काम कर रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ लोग यहां पर लगे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें आप, इधर आइए। मैं चाहूंगा कि मेरे जो कैमरामैन है वो थोड़ा मेरे साथ और नीचे की तरफ आए। ये देखें आप, ये यहां पर ये काम चल रहा है धीरे धीरे। प्रशांत जरा संभल के, ये देखें आप इस तरफ, ये इनको कमांड देते हुए यहां पर, और ये डब्बा किस तरीके से नीचे लाया जा रहा है। सर ये डब्बा किधर चला गया था? ये डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक हो गया था। इसको जो है रिरेल किया जा रहा है, इसको जो है आउटसाइड द ट्रैक डालेंगे। अभी एक नया ट्रैक डालना है इसके, ये मेन ट्रैक तो यही है, मेन ट्रैक से अलग जो है इसको अब देखिए आप, ये जो मेन ट्रैक है जिसपे अभी क्रेन खड़ी हुई है, ये देखिए ये मेन ट्रैक है, वो आगे ट्रैक टूट जाता है, उधर देखें, वो आगे आगे ट्रैक टूट जाता है, वो देखें आप। और वहां पर ये डब्बा, ये जो आपके सामने अभी ये डब्बा देखें आप, ये डब्बा ये उस तरफ चला जाता है। यहाँ पे भी कई परिवार हैं, कई लोग हैं। ये ट्रेन का वही हाल है, ये उसी ट्रेन का हाल हम आपको दिखा रहे हैं जिस ट्रेन के अंदर ये सब घटा है। ये देखें अभी यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सबको इवैक्यूएट कराया जा चुका है। ये देखें आप, ये S5 है कोच नंबर, जिसका हाल आप देखें। मैं बोलूंगा मेरे कैमरामैन जो है प्रशांत वो इस तरफ आए। S5 कोच नंबर देखें आप, उसका हाल देखें आप, बहुत बुरा हाल है S5 का। और ये अरे बाप रे, ये तो पूरा उल्टा हो गया है भाई साहब। आप लोग थे जब ये घटना घटी? हाँ जी, यहाँ पे तो नहीं थे लेकिन घतोली में ही थे। लेकिन ये आप यहीं रहते हो? ये भी नहीं रहते यहाँ पे तो, लेकिन जो लोग, ये देखें आप ट्रेन का हाल देखें आप, कैसे यहां से लोगों को निकाला गया होगा, बचाया गया होगा।
ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है। और ये देखें आप, ये किस तरीके से यहां पर बहुत बुरा हाल हुआ होगा। और ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये हम लोग खतौरी में यहां पर मौजूद हैं। उत्कल एक्सप्रेस जो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो गई है, ये पैंट्री कार भी लगता है यहां पे नजदीक में थी शायद। कैमरामैन प्रशांत राय के साथ खतौली से निशांत चतुर्वेदी। तो अब आपको लेके चलते हैं हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर ये देखें, ये स्ट्रेचर लगा है यहां पर। ये स्ट्रेचर से रात भर लोगों को बाहर निकाला गया। आप लोग कहां से सर? ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? खतौली सीएससी खतौली से 108 से। रात भर कितने लोगों को आपने बाहर निकाला? कम से कम 10-15-20 लोगों को निकाला। डेड बॉडी 3-4-5 डेड बॉडी लेके गए थे रात में यही पे इसी से। हाँ, कैसे, कितना मुश्किल था ये सब करना? सर बहुत ही मुश्किल था और इसमें बहुत स्थिति पर काबू पाने बहुत मुश्किल था, इसलिए सभी सहयोग से द्वारा कम से कम 150 एम्बुलेंस थी 108 की, उन सब ने सहयोग करके डिस्ट्रिक्ट में। कितने बजे पहुंचे थे आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे हम आ गए थे 15-20 मिनट में यहाँ आ गए थे। 15-20 मिनट में। हाँ, यहाँ घटना जो हुई थी सर 17:51 पे हुई थी, हमें जो सूचना मिली थी इसकी। शाम को 5 बजे से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप काम? नॉन स्टॉप यहीं पे है, हमारा यहीं पे विश्राम है। पूरी रात यही रहा था, डेड बॉडी निकाल के ले जा रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कतें कौन से डब्बे में आई थी? सबसे ज्यादा वो इंटर कॉलेज के पास वाले डिब्बे में आई थी, चाय वाला जो कि सामने उसमें आई थी सबसे ज्यादा दिक्कत। उसमें बॉडी तो 1 बजे रात को, 1-1-2-2 बजे निकाली। आखिरी डेड बॉडी कितने बजे निकाली आपने? रात के 1-2 बजे निकाली हो। 1-2 बजे? हाँ। तकरीबन आपके हिसाब से कितने लोग मरे होंगे इसमें? इसमें मरे होंगे बहुत लोग मरे होंगे, 40-50 कम से कम मरे होंगे। ये अवनीश देखिए यहाँ पर, बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि करीब 400-500 लोग इनका आंकड़ा है। ये लोग वो हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज थे। थोड़ा साइड हो जाइए, ये स्ट्रेचर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज थे। इनका ये कहना है कि करीब 50 लोग के आसपास जो है उनकी मौत हो गई, ये इनका कहना है। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड आपके? यस सर, यस सर। आपका नाम क्या भाई साहब? राजपाल। आपका? राहुल कुमार शर्मा। तो ये दो लोग हैं हमारे साथ। सीधे चलते सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कल रात से, कल शाम से नॉनस्टॉप इसको कवर कर रहे हैं, रेलवे उनकी बीट है। हमारे साथ आशुतोष मौजूद हैं जो कि पोस्टमार्टम हाउस से मौजूद हैं। सिद्धार्थ सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम देख रहे थे यहां पर काम चल रहा है पटरियों पर, हम देख रहे थे लोगों से जो बात हुई वो ये था कि यहां पर पहले से काम चल रहा था और अलर्ट नहीं किया गया, ये प्योरली टेक्निकल फॉल्ट है। आपका क्या एनालिसिस है अभी तक? निशांत यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि ये खतौली के अंदर हादसा हुआ है, स्टेशन के तुरंत बाद हुआ है। दूसरी चीज है, यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा था लेकिन कासन नहीं था। कासन का मतलब ये होता है कि उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को बताया जाता है कि आपको धीमे चलना है या तेज चलना है। जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी और इस पर काम चल रहा था, तो लोग तेजी से भागे इधर उधर। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन आगे बढ़ी तो उसमें से जो है पटरी उछल कर अलग हो गई, और उछल के अलग होने का जो सबसे बड़ा जो सबूत जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि जब ट्रेन का जो अगला हिस्सा है वो आगे निकल चुका था और बीच के जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज निशान में बता दूं, ये ट्रेडिशनल टाइप के डिब्बे हैं, ICF कोचेज बोलते हैं इनको, इनको हटाने की कवायद चल रही है। तो ये डिब्बे जब भी पटरी से उतरते हैं तो बुरी तरीके से स्मैश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टेलीस्कोपिक इफेक्ट की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इनको अनसेफ माना जाता है। अनिल काकोडकर समिति ने पहले ही इन डिब्बों को हटाए जाने की एक तरीके से सिफारिश की हुई है, लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो इसमें वहां पर उस वक्त क्या हालात थे, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये आज तक की टीम इस खबर को निरंतर ट्रैक कर रही है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सिद्धार्थ की रिपोर्ट देखें आप। ये है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा एक्सीडेंट कितना भीषण रहा होगा। और यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां ये ट्रैक रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, इन डिब्बों को हटाए जाने का काम चल रहा है। 140 टन की ब्रेकडाउन क्रेन लाई गई है दिल्ली से और इससे ये पूरे के पूरे डिब्बे जो है उठाए जा रहे हैं। और आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, पेंट्री कार है उसके ऊपर दूसरे डिब्बे चढ़े हुए हैं, तो 2-3 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग इस डिब्बों में होंगे
उनका हाल क्या हुआ होगा। और आगे तक अगर दूर तक देखना चाहें तो एक दूसरी क्रेन भी उधर डिब्बों को उठा रही है ट्रैक को रिस्टोर करने के लिए, और इंजन को अगर हम देखें तो इंजन दूर पे खड़ा है। तो कुल मिलाकर ये हुआ है, जब गाड़ी बड़ी तेज स्पीड से निकल रही थी तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ट्रैक मेंटेनेंस का, लेकिन कासन नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर को पता ही नहीं था कि रफ्तार कम करनी है, और वो बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर निकला, जिसकी वजह से जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से उखड़ गया है। एक बड़े इलाके में ट्रैक उखड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से जो डिब्बे थे, जो बीच का हिस्सा है, यानी ट्रेन जो आगे के तीन चार डिब्बे निकल चुके थे इंजन समेत, और बीच के जो डिब्बे थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये खतौली में है, और बिल्कुल खतौली स्टेशन के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं और मरने वालों का आंकड़ा ज़्यादा होने की वजह जो बताई जा रही है वो ये है, क्योंकि ये ICF कोच थे, ये ट्रेडिशनल कोचेज होते हैं जिनमें सेफ्टी फीचर कम होते हैं। अगर अनिल काकोडकर कमेटी की बात करें तो वो उसने इन कोचेज को हटाए जाने की वकालत बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अभी तक ये काम धीरे धीरे चल रहा है। देश भर में जितनी भी ट्रेनें हैं सारी LHB कोचेज की जानी है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तकरीबन 44,000 कोचेज इस तरीके के हैं जो खतरनाक हैं, इनको अगर 100 की स्पीड के ऊपर जब भी चलाया जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा या पटरी से उतरेगी तो इसी तरीके का एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रेलवे की परवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जांच में सामने निकल कर आएंगी। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, खतौली आज तक। आपको लेके चलेंगे हम पोस्टमार्टम हाउस, वहां पर क्या हाल है, क्योंकि वहां पे जो तस्वीर है उसको देखकर आपकी आंखें भर आएंगी, आपका कलेजा फट जाएगा। ब्रेक के बाद जितेंद्र बहादुर सिंह के पास पोस्टमार्टम हाउस। यहाँ पर जो लोगों ने मदद की है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। भाई साहब आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर सिविल हॉस्पिटल में। कितनी डेड बॉडी देखी वहाँ पे आपने? रात तक सर वहाँ पे 10 आंकड़ा था, सुबह हमने लोकल स्टाफ से पता कराया तो वो 17 बता रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, 17 जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर बता रहे हैं आंकड़ा। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ है। जितेंद्र, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे आपके पास क्या क्या रिपोर्ट आ रही है, बताइए जरा। देखिए निशांत, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शव पोस्टमार्टम हाउस में लाया जा रहा है, और इसके बाद करीब 12 बजे के आसपास सारे शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। स्थिति स्पष्ट है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी इनको दिक्कतें भी हो रही हैं। इनका ये कहना है कि इनको शवों के पास जो जाने दिया जा रहा है, लेकिन शिनाख्त करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो बाहर के लोग हैं, जो कि पुरी या फिर उड़ीसा से जो लोग आए हैं, उन लोगों के परिजन अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, और उनकी शिनाख्त करने की जरूरत है, और उनकी पूरी कोशिश की जा रही है कि सारे लोगों की जो शव यहां पर मौजूद है उनको शिनाख्त किया जाए। कानपुर का जो हादसा देखा था, उस ट्रेन एक्सीडेंट को जब कवर किया था, तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज में कई बॉडीज रखी हुई थी। वो भी एक एरिया है जिसको अभी जाके ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन आपने जो रिपोर्ट दी है, जरा आपकी आंखों देखिए, अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि आज तक आपको इस खबर का हर पहलू दिखा रहा है। जितेंद्र की रिपोर्ट देखें आप। उत्कल एक्सप्रेस में ट्रेन हादसे के बाद जिस तरीके से लोगों को यहां पर लाया गया है, कल रात में हादसा हुआ था और डेड बॉडीज इस पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है, आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो परिजन हैं वो लोग जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार का कौन सदस्य था और आपकी बॉडी आइडेंटिफाइड हो गई? ये साला था मेरा, से आइडेंटिफाई होगी बॉडी, हमने की है खुद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? मेरठ से मुजफ्फरनगर आ रहे थे, सर्विस करते थे। लोकल में? लोकल में। कहाँ पर काम करते थे? मेरठ प्रतापपुर में। तो और आपके कौन? मेरे मामा का लड़का था, मेरठ शास्त्री नगर शिवालिक बैंक में काम करता था। हम उसकी बॉडी खतौली से ला के मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल की मोर्चरी में हम लोगों ने रखवाई। वहाँ जो हमारे जिस भी आदमी ने हमसे पूछताछ करी, हमने शिनाख्त करके अपने नाम पते बताए। 3:30 बजे तक हम सुबह वहाँ पड़े रहे, और हमें 5:15 बजे पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ बॉडी नहीं है। इनका मेन मकसद जो है अपने आंकड़े कम दिखाने के लिए जो है बॉडियों को
पार करने का। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसमें भी जो डेड बॉडी हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा सारी डेड बॉडीज़ का। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से बताने की कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है, इस बात को लेकर के इनमें काफ़ी रोष भी है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हादसा हुआ है इस हादसे में जो लोग मरे हैं उन लोगों की बॉडीज यहां पर लेकर के आया जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी के जरिए सारे जो शव हैं उनको लाया जा रहा है और ये शव यहां मोर्चरी में रखे जाएंगे, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी अभी तक ये है कि 97 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिसमें 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो 23 लोग हैं उनकी लाशें मिल चुकी हैं जिनको कि यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन शकील के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। क्या दोष था इन लोगों का जरा सोचें, ये तो ईश्वर की यात्रा पर निकले थे, पुरी से जा रहे थे हरिद्वार की ओर और ये हादसा हो गया। लापरवाही, साजिश, कौन है इसके पीछे गुनहगार? ब्रेक के बाद।